सेवन पॉइंट कितना? चलो सबसे पहले तुम लोग हमें होमवर्क दिखाना है, लाओ जल्दी ऑब्जेक्टिव कार्ड पेज अगला पेज सुनना है, डेली एक पेज ऑब्जेक्टिव चलेगा, बोलना पड़ेगा। अरे हट गया, कोई बात नहीं, कल तो याद कर लेगा ना। डेली हम बोल दिए बाबू कि जैसे तुम लोग खत्म हो गया आज ही पे कल ये डेली तो करना ऐसे ही काम। चलो बताओ तुम ही बताओ उधर कोना में एक मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का क्षमता क्या होगा? क्षमता पूछ रहे हैं, एक मीटर है वहां कोना में, हाँ एक मीटर क्षमता होगा, क्षमता मीटर में होता है, मीटर उत्तल में होता है। अब तुम बोलो बगल वाले उसको को बोलने के लिए, अब कल दर्पण है, अभी सारी दोनों इनमें से कोई नहीं, बोलो अब कल दर्पण है, अभी सारी अब सारी दोनों क्या ठीक है? बगल वाले बताओ, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है वास्तविक काल्पनिक, कभी वास्तविक कभी काल्पनिक, इनमें से कोई नहीं। चलो हो गया, अरे नहीं याद रहा था नहीं होता, इधर बोलो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है वास्तविक, बहुत अच्छा बैठ जाओ। समतल दर्पण में काल्पनिक होता है, हाँ बगल वाले, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, मतलब बड़ा किसी, अब तक ठीक है। उधर बोलो, गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं अक्ष, फोकसांतर, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट पेज में एक बचा हुआ है, अच्छा तो बता दो ना, आजावती बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है कौन दर्पण का? उत्तल दर्पण का, आपका दर्पण, मेरे का ब्यूटिशियन सब में लगा होता है। नेक्स्ट अगला पेज ये याद करेगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डेली देखो, ही नहीं किया देखे कल नहीं। इधर आप बाबू पोर्ट्रेट ज्योमेट्री निर्देशांक के वित्तीय में हम एक्सरसाइज कितना पढ़ा रहे थे? 7.2। और इसमें जो कॉन्सेप्ट पढ़ रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? दूरी सूत्र। दूरी सूत्र सबको याद हो गया होगा कि नहीं हुआ है? चलो बढ़िया बात है, याद हो गया तो जल्दी छोटा में बोल दो ना, क्या होता है रूट एक्स वन माइनस एक्स टू के होल स्क्वायर वाई वन माइनस वाई टू के होल स्क्वायर। क्वेश्चन कितना तक हुआ था जरा किताब देना, कैसे बताए थे? पांच, पांच का पहला बन गया, दूसरा तुम लोग बनाया, दूसरा तीसरा बताना पड़ेगा पांच में। चलो छठा का पहला बताना है, बन गया छठा भी? बोलेगा बापू नहीं तो इसी चंद्र आ जाएगा साहब, दूसरा भी तो बन गया होगा। चलो सातवा, दूरी सूत्र का प्रयोग करें जांच करें निम्नलिखित में देव संग्रह, बढ़िया बात है ना, इसको सब थोड़ा बताना पड़ता है क्योंकि क्वेश्चन दूसरा के साथ आता है। पांच एक एक माइनस दो माइनस पांच, देखो तुम्हें कह रहा है तीन वो बिंदु है, क्या वो बिंदु है? तीन वो बिंदु है, बिंदु का नाम दे दिए हम ए बी सी, ए बी सी है ना। अब तुम्हें इसमें बताना है कि तीनों बिंदुए जो है दिखाओ वह क्या है? संरेख है। संरेख का मतलब होता है सभी बिंदुए एक ही रेखा पर है, तुम्हें साबित करना। तो अभी तुम पढ़ रहे क्लास टेंथ में, टेंथ में जो संरेख साबित करेगा सिर्फ दूरी सूत्र फॉर्मूला से, कौन फॉर्मूला से? जैसे यहाँ से आगे बढ़ेगा ये चार मेथड से सिद्ध होता है। तो हमें चारों क्यों पढ़ना है? अभी दूरी पढ़ रहे, दूरी से साबित करेंगे कि नहीं। तो संरेख का मतलब क्या होता है कि सभी बिंदुए कहाँ होना चाहिए? सभी बिंदुए कहाँ होना चाहिए? एक ही रेखा पर होना चाहिए, उसे ही हम क्या कहते हैं? संरेख। तब एक ही रेखा पर कैसे होगा, कैसे समझेंगे? देखो कैसे समझेंगे, यदि ए और बी का बीच का दूरी आ गया मान लिया जाए छो, कितना गया? और बी और सी का बीच की दूरी मान लिया जा गया चार, कितना गया? और ए और सी का बीच की दूरी कितना आएगा तो बताओ तो जरा, दस आएगा ना। अच्छा मान लिया जाए ए और बी का दूरी आ गया पांच और बी और सी का दूरी आ गया कितना, तो ए और सी के बीच की दूरी क्या आएगा? हाँ, तभी ये क्या होगा? संरेख। तो बाबू ये जरूरी नहीं है
कि ए बी और बी सी को जोड़ेंगे, ए बी और बी सी को जोड़ेंगे और बराबर में क्या आएगा ए सी। यह जरूरी नहीं है। संरेख का कंडीशन एक याद रखना, क्या याद रखना है जो बताते हैं, कोई भी दो दूरी का जोड़ यदि बड़ा के यानी कोई एक के बराबर हो जाए तभी वो क्या होगा संरेख। कोई भी दो को जोड़ देना वो अगर बराबर हो जाएगा एक का तब क्या होगा संरेख। यदि ध्यान से देखो ए और बी का हम बीच की दूरी निकालने जा रहे हैं तो पता ए और बी का बीच की दूरी क्या लिखेंगे, x1 माइनस x2 के होल स्क्वायर y1 माइनस y2 के होल स्क्वायर। बोलो x1 के मान 3 माइनस 1 का, बोलो मौखिक बोलो ना 5 माइनस 1 हाँ बताओ कितना क्या, वो जमाने बताओ 2 के होल स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर कितना क्या बता दो 8 प्लस 16 दूनी 4 अच्छा चौके रूट कितना किया अभी काम करना। इसी तरह से हम ए बी निकालें, अब क्या निकालेंगे बी सी। तब बोलो बी सी निकालते हैं फॉर्मूला बार बार लिखना जरूरी है, बोलो क्या होगा 1 माइनस तो प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा ना, फिर बताओ प्लस 1 प्लस किसका होल स्क्वायर 5 तो बता दो कि किसका हो गया 3 का और ये 6 का तो बता कितना छोचोगे 36 और 45 ये प्रॉब्लम। अच्छा इसको क्या करके लिख सकता है बता सकता है, 9 गुणे 5 लिख सकता है और 9 का वर्गमूल 3 रूट कितना गया 5 बीसी निकाल दिया। इसी तरह से हम क्या एसी निकाल सकते हैं एसी, तो बोलो एसी निकालेंगे तो क्या होगा x1 माइनस x2 तो 3 प्लस 2 के और सॉरी प्लस कैसे हुआ समझ में आ रहा है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस उसके बाद बताओ 5 प्लस 5 के होल स्क्वायर। तो बोलो यो किया 5 के स्क्वायर कितना का स्क्वायर, तो बता 5 5 25 और 10 के कितना गया 125 का वर्गमूल होता है तो लिख सकते हैं 25 गुणे 5 तो 25 का वर्गमूल 5 ये तो प्रॉब्लम। अच्छा ये जो 20 है ना इसको कैसे लिख सकते हैं, 4 गुणे 20 4 गुणे 5 और 4 का वर्गमूल 2 रूट 5। अब तुमको देखना कुछ नहीं है, ये देखना है ये देखना है और कौन देखना है ये, अब यदि तुम ये देख रहा है और कोई दो को के जोड़ के यदि एक को के बराबर होता है तो वह संरेख होगा। देखो कोई दो को जोड़ो यदि हम ये दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 3 रूट 5 प्लस 5 रूट 5 जोड़ेंगे तो 8 रूट 5 होगा ना, क्या इसके बराबर है नहीं, अभी तक गलत है। अब इधर बताओ यदि हम ये और ये को जोड़ते हैं 5 रूट 5 और 2 रूट 5 तो जोड़ेंगे कै रूट 5 आएगा 8 रूट 5, क्या इसका बराबर होता है संरेख अभी तक नहीं है। अब देखो ये दोनों को जोड़ते हैं 3 रूट 5 और 2 रूट 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 8 रूट 5, क्या इसके बराबर हो गया बस हो गया तो वो क्या हो गया संरेख। तो लास्ट में हम लिखेंगे चूंकि 2 रूट 5 प्लस 3 रूट 5 बराबर बोलो 5 रूट 5 तो 5 रूट 5 बराबर 5 रूट 5 तो क्या लिखेंगे अतः तीनों बिंदुओं क्या है संरेख। ऐसे करके बना करें, चलो जल्दी से नोट करो इसको, ये क्वेश्चन बाबू परीक्षा में 2 नंबर में देता है। बता सकता है कि बोतल के पानी बाहर जो कहां से आया बता दो, नदी का पानी है कोई थूका तका उसका पानी है बाहर में लो बाष्पीकरण क्रिया जब पड़ेगा संघनन नाइन में करना छोड़ा। चलो बाबू ये लिखा गया ये संरेख वाला प्रश्न अगर आ जाएगा एग्जाम में तो छोड़ देगा ना, ध्यान से समझना। अभी हम तुम लोग जो संरेख बताएं वो कौन सा फार्मूला से साबित किया,
दूरी शब्द से क्या क्या साबित संदेह। और इसी क्लास टेंथ में ही ये पहला मेथड सीख गया और दूसरा मेथड से भी साबित करने का होता है दूरी सीख, जिसे हम बोलते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब तुम लोग को हम बताएंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, वहां पर भी रहेगा कि साबित करो कि संरेख है, तो परीक्षा में अगर क्वेश्चन आएगा ना कि ये तीनों के तीनों साबित करो संरेख है कि नहीं, तो मैं जिक्र करके नहीं देगा कि दूरी सूत्र से बनाओ या त्रिभुज के क्षेत्रफल, दो विधि जानेंगे कोई विधि से बना देंगे। क्या अभी तुम लोग का त्रिभुज का क्षेत्रफल पढ़ाया है? नहीं। अगर इसका इसके बाद अगला लेसन जो होगा शायद हमें लगता है वही होगा। क्वेश्चन नंबर सात में एक और है, एक नहीं चार है, बन जाएगा चारो बोलेगा। चलो अब आगे आप प्रश्न संख्या आठवां पढ़ो। आठवां क्या कह रहा है? ए का नियामक, बी का नियामक, सी का नियामक दिया हुआ है। आप एक्स का मान ज्ञात करें जिससे ए बी बराबर बी सी हो। सब और हल्का हल्का प्रश्न है। देखो ए बी और बिंदु कितना है सी, ए का नियामक 6.1 और एक्स का मान 8 कर, एक्स का मान बताएं यदि ए बी बराबर क्या दिया हुआ हो, ए बी बराबर बी सी। एक प्रॉब्लम ध्यान से देखो, ये और ये आपस में क्या है, दोनों बराबर है, तो करना कुछ नहीं है, दूरी सूत्र ए बी का दूरी निकाल लेंगे। तो बोलो क्या लिखेंगे, -1 के होल स्क्वायर। बोलो बी सी क्या लिखेंगे, आगे बोलो 3-8 के होल स्क्वायर। बोलो रूट से रूट ये घट गया, कितना गया 5 के होल स्क्वायर, ये घट गया तो ये बताओ 1-6 के, ये 5 के होल स्क्वायर। पंच पचे बोलो ए माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, दिखा दिया डायरेक्ट। बोलो पंच पचे ई बी 25 प्लस में 25 प्लस में खत्म। बोलो इसको उधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1+x² - 2x उधर चल गया तो -4 बराबर क्या चाहिए। अब बताओ ये दोनों क्या होगा, -2x - 3 बराबर क्या आया। बोलो कौन समीकरण आ गया, द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण आ गया x² - 2x - 3 बराबर 0। आप बता इसे हम हल कर सकते हैं? देखो या तो गुणनखंड विधि से हल करो या तो द्विघाती सूत्र से हल करो। तो गुणनखंड कहता है कि हॉटी पॉटी को गुणा करो, कब नहीं करो, हॉटी पॉटी को गुणा करेंगे तो कितना आएगा -3x² आप बीच को दो भाग में ऐसा तोड़ो कि हल करने पर 2x और गुणा करने पर -3x². तो देखो हम तोड़ते हैं -x और -3x, तो देखो 2x हो जाएगा माइनस में, अब गुणा करेंगे तो माइनस क्या जाएगा, इधर -3 इधर क्या चीज है x². बोलो ये दोनों, ये दोनों में कॉमन ले लो, ये दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है तो x प्लस, ये तो यहाँ क्या कॉमन है 3, तो x प्लस 1 बराबर क्या चीज। अब बोलो दोनों में क्या कॉमन है x प्लस 1, तो यहाँ क्या बचा x और यहाँ क्या बचा 3 बराबर 0। एक बात यदि इतना बराबर मानते हैं x प्लस 1 बराबर 0, तो इसलिए x बराबर क्या आएगा उधर चल जाएगा तो माइनस से, फिर लिखेंगे पुनः यदि कितना बराबर मानेंगे x - 3 = 0, तो इसलिए x बराबर क्या आएगा 3। तो बता x का जो मान होगा, अतः लास्ट में लिख देंगे, अतः x का जो मान होगा क्या क्या हो सकता है, या तो -1 या क्या हो सकता है 3। ऐसे समझ में, बस जिसको दूरी सूत्र पता है वो अपने आप बना देगा। छापो इसको तुरंत बता दे, तुम्हें लोग बता दे जो बना के पढ़ो ना अल्टरनेट तो वाले इधर बिटाओ। आ गया सर। चलो
आगे देखिएगा तुरंत प्रश्न पड़ेगा बाबू, प्रश्न संख्या अभी आठवां बताए हैं, नौवां कह रहा है दो बिंदु दिया हुआ है, अब तुम्हें साबित करना है इसका जो बीच की दूरी है वो थीटा से मुक्त है। थीटा से मुक्त करने का मतलब इसका जो आंसर आएगा ना दूरी का आंसर वो थीटा में नहीं रहना चाहिए, उसी का कहते थीटा से स्वतंत्र या थीटा से मुक्त। देखो क्वेश्चन नंबर 9, दो बिंदु दर्शा दो, बिंदु ए और बिंदु बी, एक का नियामक दो बिंदु है, ये बिंदु साबित करना है कि इसका जो दूरी होगा वो थीटा से क्या आएगा मुक्त आएगा, मुक्त ना लिख करके कभी कभी स्वतंत्र भी लिखेगा तो बात वही समझना कि वही बात है। तो सबसे पहले हम इसका दूरी निकालेंगे, अपने ए बी बराबर क्या लिखेंगे बताओ, ए माइनस ए लिखेंगे ना, हाँ ए प्लस आर कॉस थीटा माइनस ए का क्या चीज प्लस, फिर प्लस बोलो बी प्लस आर साइन थीटा माइनस बी का क्या चीज प्लस, बता दो तू ए से ए क्या बचा आर कॉस थीटा के, बी से बी आर साइन थीटा के प्लस, बताओ तो ये क्या हो गया आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बताओ क्या कॉमन है क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस, तो बोलो इसका मान कितना हो गया एक हुआ, गुना एक कर लेते हैं तो बताओ तो जरा ये क्या गया रूट आर स्क्वायर, स्क्वायर से खत्म क्या आया, क्या इसका जो दूरी तुम निकाला है ए बी इसमें थीटा आया है तो थीटा से स्वतंत्र है कि नहीं, तो क्या हो गया रूट, यही तो करना था। हम लोग जरा देखिएगा क्वेश्चन 10 के पहला पढ़ो क्या कर रहा है, दूरी सूत्र का प्रयोग करें सिद्ध करें कि बिंदु इतना और इतना संरेख है या नहीं, तो अभी तो बता रहे थे कि बिंदु जो संरेख करने के लिए सीख रहे हैं कौन मेथड से दूरी सूत्र से, तो क्वेश्चन नंबर 10 का पहला बिंदु है जो कितना कितना है बताना जरा, देखते हैं त्रिकोणमिति पढ़ा दिए याद है कि नहीं तुम लोग का, जीरो उसके बाद दूसरा बिंदु कितना है जीरो कौमा सेकस पर थीटा, तीसरा बिंदु एक कौमा है कितना लिखा हुआ सी, साबित करना संदेह की नहीं अभी बताएं संदेह साबित करने के लिए क्या साबित करना है, सबसे पहले तीनों का दूरी निकाल देना तो दो को तो जोड़ेंगे तो ये दो के बराबर होगा तो क्या होगा संदेह, चलो सबसे पहले क्या निकालो ए बी, देखते हैं कितना लोग का फॉर्मूला याद है, क्या लिखेंगे बताओ तो जरा, कॉस स्क्वायर पर थीटा जीरो की क्या चीज और एक्स वन माइनस एक्स टू प्लस, बोलो जीरो माइनस एक्स वन थीटा क्या चीज और बताओ जरा ये क्या किया कॉस स्क्वायर थीटा, थीटा के होल स्क्वायर ना, और ये क्या होगा माइनस एक स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर, बता दो तो जरा ये क्या हो गया कॉसेक पर पावर कितना हो जाएगा आइए सेक पर पावर फोर थीटा, एक प्रॉब्लम अभी इतना रहने दो आगे आओ, इसके बाद हम क्या निकालेंगे बीसी, ऊपर से नीचे बढ़ते बीसी बीसी बताओ तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा जीरो माइनस एक, फिर बताओ सेक स्क्वायर थीटा माइनस एक का क्या जी होल स्क्वायर, तो बताओ तो क्या हो गया माइनस एक का होल स्क्वायर, ये बता सेक स्क्वायर थीटा माइनस वन बराबर प्लस में इधर आएगा क्या होता क्या फॉर्मूला मिला, यही तुम लोग का त्रिकोण बिंदु याद है टेन स्क्वायर थीटा के होल स्क्वायर, आप बताओ तो जरा ये क्या हो गया वन प्लस क्या चीज टेन स्क्वायर टेन पर पावर फोर थीटा हो जाएगा ना, चलो उसी तरह से क्या निकालेगा एसी, तो बोलो एसी निकालेगा तो क्या लिखेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस वन के होल स्क्वायर, आगे आओ जीरो माइनस, तो बताओ तो जरा ये क्या हो गया इसका मान बताओ कॉसेक स्क्वायर माइनस वन बराबर, सब त्रिकोणमिति पढ़ लिया सब चौपट बताए थे
वन प्लस वन प्लस वन थीटा बराबर कौन से प्लस वन थीटा, ये प्लस में तो इधर आएगा क्या होगा, इतना बराबर क्या मिला माइनस वन के लॉग स्क्वायर। इसको करेंगे तो क्या होगा, कॉटपर पावर फोर थीटा प्लस क्या आ जाएगा। अब तुम ध्यान से देखो, जो जो देखना है ये देखेगा, ये देखेगा और क्या देखेगा ये। अब इसमें से क्या जरा बताओ तो किसी को दो के जोड़ेंगे दो लोग के बराबर हो सकता है, बोलो किसी को भी जोड़ो। यहाँ कॉसेक सेक में है, यहाँ टाइन में है, तो यहाँ क्या है कॉट में, तो लिखेंगे लास्ट में क्या बताओ तो आता तीनों में तो संरेखण नहीं है। आता तीनों बिंदु में संरेख नहीं हो गया। चलो नहीं अनुवाद है, रुक करो।